गाइस, क्या आपने बिना तीली की बाईसाइकिल देखी है? और क्या आपने एक स्मार्ट टूथब्रश देखा है? नहीं देखा है तो आज आप इस वीडियो में एक एक करके अलग अलग तरह के गैजेट से मिलने वाले हैं। तो गाइस, शुरू करने से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कूल एंड हाईटेक गैजेट्स की दुनिया पावर गैजेट्स में। और आज मैं जिन गैजेट से मिलवाने वाला हूँ, जिन्हें आप इनके ऑफिशियल साइट और अमेजोन से इजिली परचेज कर सकेंगे। तो गाइस, इस सफर पर निकलने से पहले आप अपनी उंगलियों को रजाई से निकाल कर चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप लाइक वाले बटन को प्रेस कर लीजिए और फिर आप आराम से बैठ जाइए रिलैक्स होकर। और हम शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले गैजेट को। तो गाइस, आज के हम शुरुआत करेंगे फोन पैड से। दोस्तों, जब भी हम अपने स्मार्टफोन पर ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं या फिर ऑनलाइन वर्क कर रहे होते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमें कितना ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिससे हमें टाइपिंग और किसी भी डॉक्यूमेंट को सेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो गाइस, आज मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे गैजेट से जिससे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को मिरर करा सकते हैं। साथ ही इस गैजेट के साथ जिससे आप अपनी मोबाइल की डिस्प्ले को एक स्मार्ट कंप्यूटर की तरह भी देख सकते हैं। साथ ही इसमें आप वीडियो वगैरह को तो देख ही पाएंगे और ये एक टच स्क्रीन डिवाइस है जिसे आप इसे अपने स्मार्टफोन की तरह तो यूज कर ही पाएंगे, वो भी अपने स्मार्टफोन को बिना टच किए। और तो गाइस, इसमें कीबोर्ड और माउस को अटैच करने का ऑप्शन भी मिल जाता है जिसे आप इसे अटैच भी कर सकते हैं। अगर गाइस आप भी गेमिंग करना पसंद करते हैं और कुछ वर्क करना चाहते हैं तो ये डिवाइस आपके लिए बहुत ही काम आ सकती है। लेजर पिकर लेजर इनग्रिपर। दोस्तों, हम सब किसी भी प्रोडक्ट को इनग्रिप कराना काफी ज्यादा पसंद करते हैं और हमें इनग्रिपिंग कराने के लिए हमें काफी ज्यादा प्राइस देना पड़ता है। अगर गाइस आप भी चाहते हैं इस चीज को अपने घर पर ही करना तो आप इस काम को अपने घर पर ही इस गैजेट से कर सकते हैं। ये एक ऐसा लेजर इनग्रेवर होता है जिससे आप किसी भी सरफेस पर इनग्रिप कर सकते हैं, चाहे हम बात करें वुड, प्लास्टिक, इन सारी चीजों को डिजाइन कर सकते हैं। और तो इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी मिल जाता है जिसे आप इसके ऐप से इसके इनग्रेवर को इनपुट दे पाएंगे। वहीं इसमें आपको काफी सारे डिजाइन भी मिल जाते हैं। डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप इसे डिजाइन भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस, अगर आप भी चाहते हैं किसी भी चीज को इनग्रिप करना तो ये गैजेट आपके लिए बेस्ट है। टेलो ब्रश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट में ऐसे बहुत से टूथब्रश हैं जो मार्केट में काफी ज्यादा अवेलेबल हैं। पर अगर आप एक ऐसा ऑटोमेटेड टूथब्रश चाहते हैं जो हमारे दांतों को अच्छी तरीके से टूट और क्लीन कर सके तो ये गैजेट आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए। इस टूथब्रश की खास बात यह है कि इस टूथब्रश को आपको अपने माउथ में रखना होता है, जिसके बाद आपके आधे दांतों की सफाई सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में ही कर देता है। साथ ही इस स्मार्ट टूथब्रश को आपको 2 पार्ट्स में यूज करना होता है, जिसे राइट साइड के पूरे दांत और लेफ्ट साइड के पूरे दांतों को बढ़िया तरीके से साफ कर देता है। ये एक ऐसा ऑटोमेटेड गैजेट है जो आपके पूरे दांतों को 20 सेकंड में ही साफ कर देगा। तो ओवरऑल गाइस, अगर आप भी चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश को ट्राई करना तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीवो हबलेस ई बाइक। दोस्तों, आप इस ई बाइक से मिलिए जिसमें आपको स्पोक्स तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर गाइस मैं आपसे पूछूं कि आप कैसी ई बाइक पसंद करते हैं, क्लासिक, मॉडर्न या फिर सुपर हाईटेक, तो गाइस जाहिर है आपका जवाब होगा सुपर हाईटेक। क्योंकि ऐसा इसलिए है कि हमें बचपन से ही अच्छी चीज पसंद करते हैं। खैर छोड़िए, आज की जो ई बाइक है वो लुक के मामले में काफी ज्यादा जबरदस्त है, साथ ही फीचर में भी आपको काफी ज्यादा कमाल की देखने को मिलेगी। वैसे तो गाइस, मेरा तो ये मानना है कि इस ई बाइक के कंपेयर में अगर किसी दूसरी ई बाइक को खड़ा कर दिया जाए तो बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि इस ई बाइक में आपको स्पोक्स देखने को नहीं मिलेंगे, यानी इसमें आपको तीलियां देखने को नहीं मिलेगी। बेसिकली गाइस, ये चीज तो नॉर्मली बाइसाइकल्स में तो मिलती है, पर इसमें कुछ अलग है क्योंकि इसका हर एक पार्ट ब्लैक होता है। साथ ही इसमें जो हैंडल होता है वो आपको काफी ज्यादा स्मूथ मिलेगा, जिससे आपको राइडिंग के दौरान काफी स्मूथनेस फील होगा। मेरा मतलब ये है कि इसका हबलेस होना सिर्फ और सिर्फ इसके फीचर ही नहीं, इसको बेटर भी बना देती है। साथ ही ये राइडर को भी काफी ज्यादा एडवांस और इनहेंस बना देता है। चाहे तो आप इसे पैडल के थ्रू तो चला ही सकते हैं, साथ ही ये बिना पैडल के भी चला सकेंगे। अब गाइस हम इसके सेफ्टी की बात कर लें तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, वो भी इसके की एक्सेस का, जिससे आप इसे लॉक तो कर ही सकते हैं वो भी इसके फिंगरप्रिंट से। जब ये ई बाइक पार्क होती है, अगर कोई इसे चोरी करने की कोशिश करता है तो इसमें मोशन डिटेक्टर तुरंत ही एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे अलार्म भी बजने लग जाता है, साथ ही साथ आपके स्मार्टफोन तक नोटिफिकेशन भी पहुंचा देता है। देखा जाए तो गाइस, इस ई बाइक में आपको काफी सारे चौंका देने वाले फीचर अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल गाइस, अगर आप भी इस ई बाइक को पसंद करते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।
LG कर्व्ड मॉनिटर। दोस्तों अगर आप गेमिंग के लिए या फिर वर्क करने के लिए एक मॉनिटर लेना चाहते हैं तो LG मॉनिटर आपके लिए एक बेस्ट रहेगा। ये मॉनिटर 32 इंच वाइड एंगल में आता है जिससे इसका व्यू एंगल भी काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। वहीं इसकी डिस्प्ले भी कर्व्ड रहती है जिससे आपको देखने में भी काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें कर्व्ड HD रेजोल्यूशन भी मिल जाता है जो इसके लुक को और भी ज्यादा इनहेंस बना देता है। वहीं गाइस इसमें नैनो IPS टेक्नोलॉजी के इसके कलर भी और भी ज्यादा इसे खास बना देते हैं जिससे आपको हाई डायनेमिक रेंज कलर भी देखने को मिलेंगे। अगर गाइस आप भी गेमिंग एंड एडिटिंग करने के लिए एक बेहतर सा मॉनिटर लेना चाहते हैं तो आपके लिए LG कर्व्ड मॉनिटर एक बेस्ट ऑप्शन है। प्योर फ्लेम मिनी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि विंटर सीजन शुरू हो चुका है जिसमें हमको काफी ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ता है और इस ठंड को दूर करने के लिए हमें आग जलानी होती है। अगर गाइस आप भी ट्रेवल वगैरह पर जाते हैं या फिर घर में बैठे बैठे मजा लेना चाहते हैं आग का तो ये गैजेट आपके लिए है। दोस्तों ये एक ऐसा गैजेट है जो आपको आग जलाने में मदद करेगा और तो इस गैजेट में एक छोटा सा होल भी होता है जिसमें आपको लकड़ियों को डालना होगा। वह इसमें छोटा सा फैन भी लगा होता है जो लकड़ियों को आग जलाने में मदद करता है। साथ ही इसमें टर्न ऑन ऑफ करने के लिए इसमें टचलेस बटन भी दी गई होती है जिससे आप इसे चालू बंद भी कर सकते हैं। और तो गाइस ये इतना कॉम्पैक्ट होता है जिसे आप अपने बैग में रखकर इसे भी कहीं भी ट्रेवल वगैरह में कैरी भी कर पाएंगे। अगर गाइस आप भी ट्रेवल वगैरह पर आग का मजा लेना चाहते हैं वो भी ठंडियों में तो ये गैजेट आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा। इन ग्रिप। दोस्तों मोबाइल गिरने की प्रॉब्लम एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, चाहे हमारा आईफोन हो या फिर एंड्रॉइड फोन गिरते ही डैमेज हो जाता है। अगर गाइस आप भी चाहते हैं कुछ इस तरह के ग्रिप होल्डर को यूज करना तो ये गैजेट आपके स्मार्टफोन को गिरने से बचाता है। वैसे तो गाइस हम अलग अलग तरह के ग्रिप होल्डर को यूज करते हैं जो मार्केट में काफी सारे ग्रिप होल्डर अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ ग्रिप होल्डर प्लास्टिक के होते हैं जिससे हमारा फोन काफी ज्यादा बल्की हो जाता है। अगर गाइस आप भी इस गैजेट को यूज करना चाहते हैं तो ये गैजेट आपके स्मार्टफोन के पीछे साइड में लग जाएगा जिससे आपका फोन भी काफी ज्यादा हल्का हो जाता है। साथ ही अगर आप अपने स्मार्टफोन से सेल्फी ले रहे हैं तो आप इसे अपनी उंगलियों में डालकर अच्छी तरीके से पकड़ पाएंगे। अगर गाइस आप भी अपने स्मार्टफोन से प्यार करते हैं और चाहते हैं अपने स्मार्टफोन को सेफ रखना तो ये गैजेट आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो जाता है। साइकिल बोर्ड। गाइस हम सब यही देख रहे हैं कि दिन के साथ ही साथ टेक्नोलॉजी बेहद एडवांस होती जा रही है, इसीलिए गाइस आज मैं आपके लिए कमाल के न्यू टेक्नोलॉजी के गैजेट लेकर हाजिर हूँ। खैर गाइस जो आप एक इलेक्ट्रिक स्ट्रीट व्हीकल को देख रहे हैं ये काफी ज्यादा लाइटवेट और काफी ज्यादा एडवांस है जिसे आप इसे कहीं भी कैरी करके तो ले जा ही सकते हैं। साथ ही ये आपको 20 माइल्स पर आवर तक की स्पीड भी प्रोवाइड कर देता है। वैसे तो गाइस मार्केट में काफी सारे इलेक्ट्रिक बोर्ड अवेलेबल है जिसमें आपको 2 व्हील्स मिलते हैं, पर साइकिल बोर्ड में आपको 3 व्हील्स मिल जाते हैं जिससे आप इसे 15-20 माइल्स तक जा सकते हैं। अगर गाइस आप भी ऑफिस जाते हैं या फिर मार्केट वगैरह जाते हैं तो ये गैजेट आपके लिए बेस्ट है क्योंकि गाइस इसका हैंडल भी काफी ज्यादा स्मूथ होता है जिससे आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसका प्लेटफॉर्म भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, ना ही ज्यादा ना ही कम, जिससे आप खड़े होकर कहीं भी जा सकेंगे। तो ओवरऑल गाइस अगर आपको भी साइकिल बोर्ड पसंद है तो ये चॉइस आपके सामने है। तो गाइस अब आपका यहीं से काम होता है शुरू, बिना सोचे समझे आप वीडियो को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं हर दिन आपके लिए नए नए गैजेट्स लाता रहूं। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं आपको और भी नए गैजेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।